आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आपके एंटरटेनमेंट में लगने वाला है तड़का, तो हो जाइए तैयार देखने के लिए कब राजकुमार राव हॉलीवुड में करेंगे डेब्यू। प्रकाश राज आज अपना मना रहे हैं 56वां जन्मदिन। कोरोना की वजह से अब कौन सी फिल्म का टीजर टल गया है। खतरों के खिलाड़ी के फैंस के लिए अब एक आई है गुड न्यूज। और अनिल कपूर ने पत्नी को बर्थडे पर क्या दिया है गिफ्ट, तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक्टर राजकुमार राव का बॉलीवुड करियर अलग ही बुलंदियों को छूता दिख रहा है। एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे राजकुमार की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है और बड़ी फिल्मों में उन्हें खून लेने की होड़ दिखाई दे रही है। एक्टर का काम इतना कमाल का रहा है कि उनकी फिल्मों को ऑस्कर तक में नॉमिनेशन मिल रहा है। हाल ही में उनकी द वाइट टाइगर को ऑस्कर में जगह दी गई। अब जब से फिल्म को लेकर इतनी बड़ी घोषणा की गई है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि एक्टर जल्द ही हॉलीवुड डेब्यू कर सकते हैं। राजकुमार राव की माने तो उन्हें कई बेहतरीन ऑफर भी सामने आए हैं, लेकिन वो अभी इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं, मुझे ऑफर तो कई मिले हैं, लेकिन मैं कुछ अलग का वेट कर रहा हूं। मैं तो एक्सप्लोर करने का मन बना चुका हूं। दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत के साथ ही बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश राज आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। अभिनेता प्रकाश राज कन्नड़, तमिल और तेलुगु सिनेमा के अलावा बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन फिल्में कर चुके हैं। हिंदी सिनेमा में उन्हें सबसे बेहतरीन खलनायकों में शुमार किया जाता है। प्रकाश राज को उनके अभिनय के लिए साल 2010 में तमिल फिल्म कांचीवरम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। वहीं साल 2009 में उन्हें कांचीवरम के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने साल 2006 और 5 में बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में अपने देश के लिए शहीद हुए दिवंगत मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित फिल्म मेजर का टीजर 28 मार्च को एक ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब मुंबई में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते इस इवेंट को आगे बढ़ा दिया गया है। फिल्म के मेकर्स ने इसकी जानकारी मेजर द फिल्म नाम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके दी है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि फिल्म के डायरेक्टर के परिवार के साथ अचानक हुई घटना और देश में बढ़ते कोविड-19 के प्रकोप की वजह से मुंबई में टीजर लॉन्च के लिए होने वाला समारोह रद्द कर दिया गया है। जल्द ही टीजर को सभी भाषाओं में रिलीज करने के लिए नई डेट की घोषणा की जाएगी। बिग बॉस के खत्म होने के बाद रियलिटी शो प्रेमियों को खतरों के खिलाड़ी का इंतजार रहता है। हर बार की तरह इस बार भी रोहित शेट्टी लेकर आ रहे हैं इस रियलिटी शो का 11वां सीजन। रोहित शेट्टी के इस शो के लिए लगातार कंटेस्टेंट को अप्रोच भी किया जा रहा है और जल्द ही सभी कंटेस्टेंट्स को कंफर्म कर दिया जाएगा। खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग मेकर्स इस बार अबुधाबी में करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कोरोना वायरस के दौर में मेकर्स को अबुधाबी सबसे सही जगह लग रही है। सूत्रों के अनुसार खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग अगले महीने से शुरू हो जाएगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पूरी टीम अगले महीने शुरुआत में ही अबुधाबी के लिए उड़ान भी भर लेगी। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनिल कपूर ने अपनी पत्नी सुनीता कपूर को एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है। पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अनिल ने उन्हें एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज का गिफ्ट की है। अनिल के घर के बाहर पेपराजी को एक नई कार नजर आई जिसकी अभी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। सुनीता कपूर को ये गिफ्ट काफी पसंद आया है। उन्होंने गिफ्ट में मिली मर्सिडीज की पूजा भी की और घर के बाहर खड़ी इस कार पर फूलों की माला चढ़ी हुई भी दिखाई दी। इससे पहले अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुनीता को बर्थडे विश किया और सुनीता के साथ वाली कई तस्वीरें भी शेयर कर अपनी फीलिंग्स बताई थी। बॉलीवुड गपशप में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।